अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? सबसे पहले तो जज़ाकअल्लाह खैर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं आप लोग सबसे ना एक जनरल ये बोलूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन आप लोग अगर पेरेंटिंग के कोर्स को ऐसा देख रहे कि ओके दिस विल बी अ सेशन, वन पर्सन विल कम एंड टॉक और हमको सिर्फ सुनना है और उन्होंने कुछ टिप्स देंगे, कुछ ट्रिक्स देंगे और कुछ डूज एंड डोंट्स बताएंगे एंड दैट्स इट। लेकिन अगर आपका ये परसेप्शन है ये कोर्स के लिए, सो लेट मी क्लियर एंड लेट मी करेक्ट यू, क्योंकि दिस कोर्स इज नॉट अबाउट कि हम कैसा चाहते कि आप पेरेंटिंग करें। दिस इज अबाउट डिस्कवरिंग योर ओन सेल्फ एज अ पेरेंट, क्योंकि हम लोग एज अ पेरेंट कभी भी हम किसी की भी एडवाइस नहीं लेना चाहते, बिकॉज वी हैव दिस सेल्फ ऑब्सेशन कि यस हम बहुत अच्छी माँ हैं, हम बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, वी आर गुड विद किड्स, और जो भी हम डिसीजन अपने बच्चों के लिए लेते वो सही है। हमारे दिमाग में ना कहीं आ जाता, बिकॉज वी नो कि बच्चों के ऊपर अगर किसी को ज्यादा अथॉरिटी है तो वो पेरेंट्स की है, और समटाइम्स हम ये अथॉरिटी को मिसयूज कर लेते। सो ये कोर्स में क्या होगा, मालूम, इट इज कम्प्लीटली अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, इट इज कम्प्लीटली अबाउट योर जर्नी, इट इज कम्प्लीटली अबाउट योर शेयरिंग। आप अपने ही शेयरिंग से अपने आप को डिस्कवर करेंगे, आप दूसरों की शेयरिंग से अपने अंदर क्या कमी है वो डिस्कवर करेंगे। आपकी ये कम्प्लीटली सेल्फ जर्नी होने वाली है। यहाँ पे ऐसा कोई भी, जैसा आप लोग खुद भी देखते होंगे कि थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स लेके लोग इतने पेरेंटिंग के कोर्सेज करते, इतने बुक्स प्रोवाइड करते कि ये पढ़ लो एंड यू विल बी डन विद अ पेरेंटिंग कोर्स। नो, हर कोई यही बताता कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है, क्योंकि मैं खुद ये कोर्स की फर्स्ट बैच की स्टूडेंट हूँ एंड थरोली मेरे बच्चे भी अभी अंडर 10 की एज में है, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 4 किड्स नाउ। तो मैं जब वो जर्नी में जब लोगों को देख रही थी, तो इट इज जैसा उस्ताद अभी ये चीज बोले कि इट इज नॉट समवन कि जिसके बच्चे ये एज ग्रुप के है तो उनके लिए ये बेहतर है, या जिसके बच्चे ऑलरेडी बड़े हो गए, ऐसा नहीं है। इवन इफ यू आर नॉट मैरिड, even if you're not a mother, even if you're not a mother of a daughter, even if you're not a mother of a son, या फिर आप grandmother भी बन गए, ये course आपके लिए है। It is a universal course। आप यहाँ पे जो अपने बारे में समझेंगे, और अगर आज आप married नहीं है तो इंशाल्लाह आप कल हो जाएंगे, आज आप parent नहीं है तो कल आप हो जाएंगे। अगर कोई भी जर्नी ऐसी नहीं रहती कि मतलब आपको सिर्फ ऐसी एक मैनुअल मिल गया और आप करिए, नहीं, इट कम्स विद एक्सपीरियंस, एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट पेरेंटिंग इट कम्स एंड एनहांसेस विद एक्सपीरियंसेस। आपका जो एक्सपीरियंस है, और माशाल्लाह मैं तो ये बोलूंगी कि आप लोग जो भी ये कोर्स में भी आने वाले हैं, आप लोग को इतने ज्यादा रिव्यूज मिल रहे कि आपको जो एक इंसाइट मिलना चाहिए ये कोर्स का, आपको पहले से एवरीथिंग इज सर्व्ड ऑन अ प्लेट, यू गॉट अ वेरी क्लियर पिक्चर टू डिसाइड वेदर आई शुड गो फॉर दिस और whether should I take my steps back। But अगर आप ये opportunity को miss कर देते, तो believe me, आप अपनी life से सिर्फ 3 days save कर ले रहे, but आने वाले जो दिनों में आप experience करेंगे ना, आप वो एक बहुत beautiful journey से कुछ अच्छा हिस्सा miss कर देंगे। अगर आप ये course को अभी enroll नहीं करेंगे, अभी से मतलब आप इसके बारे में सोचिए, क्योंकि हमारा जो experience था जब हम ये course में गए थे, हम कुछ और थे, हम एज अ मदर कुछ और थे, हमारी सोच एज अ पेरेंट कुछ और थी, और हम लोग के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई थी कि हमारे बच्चे ना हमारी ख्वाहिशात पूरे करने की मशीन है, हम पेरेंट है ना, हम ये बोल देंगे और बच्चे कर लेंगे। मतलब हम एनालाइज ही नहीं करते, हम अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, जो अल्लाह ये मुकाम दिया उसको हम समटाइम्स मिस यूज कर लेते कि नो आई एम अ मदर सो दे शुड बी ओबीडियंट टू मी। वो लोग तो ओबीडियंट बाय लॉ तो हो ही जाएंगे, बट विथ रिस्पेक्ट विथ लव ये आपको ये सीखने मिलेगा। मतलब छोटी छोटी चीजें, एंड दैट विल आल्सो कम फ्रॉम यू। वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू अ बुकलेट कि ये पढ़ लो और आपका पेरेंटिंग कोर्स हो गया। आपकी अपनी शेयरिंग से जो आप अपने आप को समझेंगे और जो आप अपने आप को निखारेंगे, और उस्तादा के हदीस, उस्तादा के रेफरेंसेस और उस्तादा का समझाने का जो तरीका है, जिससे जो आपकी पर्सनैलिटी उभर के आएंगी एज अ पेरेंट, क्योंकि पेरेंट होना एक बहुत बड़ा शर्फ की बात है और एक बहुत बड़ा दर्जा दे दिया अल्लाह ताला दुनिया में अपने को, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए जजा बनेगा, अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए सजा। और ये जजा और सजा का जो डिफरेंस है ना, ये हम समझने में थोड़ी गलती कर देते हमारे अपने, और एशियन पेरेंटिंग में तो बहुत आप लोग खुद एक्सपीरियंस होंगे, आप डिफरेंट एज ग्रुप के पेरेंट्स होंगे आप लोग, हम लोग। और ये कोर्स में क्या है मालूम, आप एज अ पेरेंट ही नहीं रहेंगे, आप एज अ मदर इन लॉ, आप एज अ ग्रैंड मदर, आप एज अ
वाइफ, हर एक रिलेशनशिप के बारे में ये कोर्स है जहाँ पे आप अपने आप को सुधार सकते हैं, संभाल सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो आप लोग ये स्टेज पे अपने आप को रोक सकते हैं, जो बहुत सारे पेरेंट्स के हाथ से गया, मौका निकल गया। हम लोग हर टाइम ये चीज बोलते रहते हैं कि हमारे बच्चे सुन रहे नहीं, आज के जमाने के बच्चे हैं ना, दे आर सो मच इनटू दिस टेक्नोलॉजीज, वो लोग को तो टाइम ही नहीं है। लेकिन आप सिर्फ बोलते रहते, व्हेन एक्चुअली आप वो चीजों पे वर्क कर रहे हैं, डू यू रियली हैव द टाइम फॉर योर पेरेंटिंग? आप कभी बैठ के सोचेंगे क्या मेरे से भी कोई गलती हो रही एज अ मदर? बस खाना पका देना, बच्चों को देख लेना, उनको टाइम पे रेडी कर देना, ये नहीं है। दिस इज नॉट द थिंग विच विल गिव यू द रिजल्ट विच यू आर एक्चुअली आस्किंग फॉर। आप पहले ये देखो, क्या मैं वो कर रही जो मैं चाहती, क्या मैं वो कर रही जो मेरे को आगे जाके होना है? और हम अगर आज अपने बच्चों को वैसा ट्रीट नहीं करेंगे तो आगे जाके क्या हमारे बच्चे हमको वैसा ट्रीट करेंगे जैसा हम चाहते हैं? मैं वेस्टर्न वर्ल्ड में रहती और मैं यहाँ की जो लाइफस्टाइल देख रही, मैं आपके साथ वो चीज शेयर करूंगी। यहाँ का जो लाइफस्टाइल है मालूम, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो माँ बाप उनको डे केयर में छोड़ देते। इट इज अ वेरी कॉमन हैबिट ओवर हियर। अगर कोई किसी के बच्चे डे केयर नहीं जाते तो इट इज समथिंग वेरी ऑड। इन लोग का जो लाइफस्टाइल है ना, जो वेस्टर्न पेरेंटिंग है, मैं बहुत क्लोजली देख रही बिकॉज माई किड्स गो टू दैट स्कूल। तो उन लोग के लाइफ स्टाइल कैसा है मतलब, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो वो लोग पेरेंट्स उनको डे केयर में छोड़ देते हैं, और जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो लोग पेरेंट्स को ओल्ड एज में छोड़ देते हैं। मतलब इट इज सो इजी फॉर देम, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्या वो चीज हमारे ऊपर एप्लीकेबल है? क्या आज हम वो काम नहीं कर रहे? आर वी रियली डूइंग द सेम थिंग और वी नॉट? कहीं ना कहीं हम भी वो स्टेज पे चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी अपने बच्चों से, मतलब हमको तो बच्चे जो हम चाहते हैं बच्चे हमको जरूर देना, लेकिन क्या हम बच्चों को वो दे रहे? ये क्वेश्चन अपने आप से करिए। और ये सवाल मेरे को मालूम है हर माँ के दिल में ये रहता है, और हर माँ की फिक्र आज यही है कि बच्चे इतने ओबीडियंट नहीं है, हम तो हमारे, और सबसे पहली हम तो हमारे माँ बाप का ऐसा करें, हम तो हमारे माँ बाप को वैसा करें। आपका वक्त अलग था, आपका टाइम अलग था, आज के चैलेंजेस डिफरेंट है। आप ये भी देखिए आपके माँ बाप आपके लिए क्या रहे, क्या आप वो कर रहे? और अगर आप नहीं कर रहे तो वी आर हियर टू हेल्प यू। इसीलिए ये कोर्स बनाया गया ताकि हम सब जो मुसलमान, खास तौर से ये उम्मत के जो माओ का किरदार होना चाहिए, जो एक पुख्ता किरदार एक औरत का, जैसा मैं को कुरान में बार बार बताया गया कि औरत को जो दर्जे से नवाजा अल्लाह ताला। आप लोग भी कई व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखते होंगे कि जब बेटी है तो माँ बाप के जन्नत का जरिया है, जब बीवी है तो शोहर का ईमान पूरा कर देती, और जब माँ बन जाती तो जन्नत का दरवाजा पैर के नीचे आ जाता। मतलब ये सब हम सुनते हैं, लेकिन क्या हम लोग इसको वाकई में अमल में ला रहे? ये सब सिर्फ है, लेकिन क्या हम वो डिजर्व करते? अल्लाह ताला तो हमको दे दिए, लेकिन उसको अचीव भी करना है, उसको जीना भी है, उसको समझना भी है। सिर्फ अल्लाह ताला हमको बेटी बना के पैदा कर दिया ना तो हमको सारी चीजें मिल गई, ऐसा नहीं होता। आपको एक अथॉरिटी दे दी गई, आपको वो चीज समझना है। और मेरा एक्सपीरियंस ये ऐसा था कि मैं बहुत सारी चीजों में मेरे को खुद अपने चार बच्चों में कहीं ना कहीं मेरा सेल्फ कंपैरिजन हो जाता था। मैं अपनी पेरेंटिंग जो मेरे पेरेंट्स करे, हमारे पास स्ट्रेट अवे रूल था कि नो कंपेयरिंग अमंग द चिल्ड्रन। तो मैं हम लोग भी अपने पेरेंटिंग में ये करते, लेकिन माँ होने के बावजूद भी ना कहीं दिल में एक आ जाता, मेरा ये बेटा ये कर रहा ना तो इन्हें क्यों नहीं कर सकता। ये होता, ये नेचुरल है, लेकिन हम इसको कैसा ओवरकम कर सकते? दिस ऑल विल कम इन योर वे, बट हाउ टू ओवरकम ये आप लर्न करेंगे, और इतने ब्यूटिफुल वे में आप लर्न करेंगे कि आपको ना डिफिकल्ट दिखेगा, ना आपको बहुत टायरिंग दिखेगा, ना आपको ऐसा दिखेगा कि इट्स अ वेरी बिग टास्क फॉर मी, मैं तो नहीं कर सकती, चलो मैं छोड़ दूंगी। नहीं, इट विल कम स्लोली टू यू, और ऐसा स्लोली आपके पास आते आते मालूम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये कोर्स की हेल्प से, ये कोर्स की टीचिंग से, इसके जो लर्निंग आउटकम्स आप लेके जब बाहर जाएंगे ना, आप अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड मदर रहेंगे, और आपको आने वाली हर अपॉर्चुनिटी और हर डिफिकल्टी को एक्सप्लोर करना और डिफिकल्टीज को ओवरकम करना आ जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैं भी काफी चीजें फेस करते रहती, और अब जब मैं उस्ताजा के पास जाती हूँ, उस्ताजा आई एम डूइंग दिस, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, डेफिनेटली कि सारी चीज तीन चार दिन में क्लब करके आपको इतनी ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट करेंगे कि आपको ऐसा दिखेगा ही नहीं, आपको ऐसा दिखेगा कि ओ मतलब 3 दिन गुजर गए, मैं इतना कुछ सीख गई, इतना तो मेरे को मालूम ही नहीं था, और ये कितना आसान हो गया। आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से देखेंगे, उस्तादा के हदीसों से, उस्तादा के एक्सप्लेनेशन से, आपको सेल्फ में जो अपने आप को आप डिस्कवर करेंगे ना, बिलीव मी आप लोग कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। और हाँ, दूसरे जो आपके साथ है वो लोग जब एनरोल कर लेंगे, जब वो लोग में चेंजेस आ जाएंगे, जब वो लोग में कुछ तब्दीलियां आ जाएंगी, और जब आप डेफिनेटली रिग्रेट करेंगे कि आई विश आई हैव डन दिस, तो टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, टेक अ स्टैंड फॉर योर किड्स, टेक अ स्टैंड फॉर योर रिलेशनशिप्स विद एवरीवन यू आर सराउंडेड विद। आई रियली रिकमेंड कि आप लोग आगे बढ़िए, ये कोर्स को देखिए, और आप अगर अल्लाह ना करे
आप ये कोर्स में आ भी गए ना, तो एक बात की तो गारंटी है, अगर आपका बहुत फायदा नहीं हुआ ना तो आपका नुकसान तो हरगिज नहीं होने वाला है। आप बहुत ज्यादा नहीं सीख के गए तो आप एक चीज तो ऐसी सीख के जाएंगे जिसके लिए आप हमेशा थैंकफुल रहेंगे अल्लाह के लिए, और दूसरी बात दारुल अखम और सेल्फ अपने लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डिसाइडेड समथिंग गुड फॉर मी कि मैं ये कोर्स में एनरोल कर ली, मैंने अपने साथ अच्छा कर लिया। मैं तो इतना ही बोलूंगी, अगर मैं बोलने बैठू ना ये कोर्स के बारे में तो आई थिंक ये पूरी मीटिंग मैं ही टेक ओवर कर लूंगी। सो आई जस्ट रिकमेंड कि आप लोग सब ये करिए, इसको एक्सपीरियंस करिए, और आप लोग सब मदर्स है, फ्यूचर मदर्स है, ऑलरेडी ग्रैंड पेरेंट्स भी बन गए होंगे, लेकिन कभी भी जो भी चीज हमारे लिए बेहतर है तो उसको अपनाने में, उसको टेकअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो टेक अ चांस फॉर योर सेल्फ, फॉर योर गुड पेरेंटिंग, फॉर योर कमिंग फ्यूचर रिलेशनशिप्स एंड यू आर सराउंडेड विद प्रेजेंटली।